स्टैंडर्ड कोकोनट का कलर हमेशा व्हाइट ही होता है। व्हाइट ही होता है लेकिन उसमें अरे वो सब जब मुंह के अंदर डालेगी तब तो कोकोनट पीसेस आएंगे ना। आया ना? स्टूपिड हुआ। क्या है? अच्छा चल चलते हैं। किधर? इधर इधर। अच्छा दीदी इतनी टेंस क्यों लग रही हो? नहीं क्यों? चेहरा देख के लगा इसीलिए पूछा। वो मेरा चेहरा ही कुछ ऐसा है। मैच्योर्ड और टेंस। फिर भी बहुत ही अच्छा, उम्मीदों से भरा। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ की जा रही मेरी। दूसरी आइसक्रीम फिर भी नहीं मिलने वाली है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी तुम बहुत अच्छी हो। फिर भी नहीं मिलने वाली मेरी क्यूट सिस्टर। फिर भी नहीं मिलने वाली। क्या दीदी हमेशा पकड़ लेती हो। ठीक है मत दो। दीदी एक बात पूछूं? तुम्हें कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? प्रपोज मतलब आई लव यू कहा है किसी ने? क्या बात है जानू, आज ये सब क्यों पूछा जा रहा है? ऐसे ही तुम हो ही इतनी सुंदर। अगर मैं लड़का होती और हम दोनों एक ही कॉलेज में होते ना तो मैं तो तुम्हें भगा के ले जाती। लेकिन मैं फिर भी नहीं भागती। अपनी जिम्मेदारियों से भागना कायरता है जानू। दीदी तुम हमेशा वही बातें क्यों करती है जो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती। मेरी बातें समझने के लिए कोई खास इंसान होगा। खास इंसान कौन है? मेरी कसम। कोई नहीं कोई नहीं। अब चल घर चल, घर चल, कल स्कूल जाने में देरी होगी। चल 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 कम ऑन प्लीज। खुद तो आइसक्रीम खाती नहीं, मुझे भी आइसक्रीम खाने देती नहीं। मुझे नहीं थी, मुझे पता है मुझे चॉकलेट खानी। वन फ्लेवर दैट वाज एनफ। आई थिंक इट वाज मोर देन के बाद आई प्रॉमिस। मैं छोटी हूं, मुझे जल्दी कर। हेलो हेलो जानू, मैं रोहित बोल रहा हूं। देखो प्लीज फोन मत रखना। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। अच्छा हुआ, वेरी गुड। अच्छा हुआ मतलब क्या? अच्छा मैंने कोई बात नहीं। अब अपने रूम में जाओ, तेरा दूध और तेरी दवाइयां मैं लेके आती हूं। मैं कल चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगी। ओके 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 गो। जा रही हूं ना। हेलो हेलो जानू, देखो 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 प्लीज फोन मत रखना। मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं जानवी नहीं, उसकी बड़ी बहन अरुंधति बोल रही हूँ। I'm sorry, wrong number. इस रॉन्ग नंबर की राइट इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ओहो, उस गधे के बच्चे को प्रिंसिपल ने ग्राउंड के पूरे 10 चक्कर कटवाए, फिर भी अकल नहीं आई। यहाँ मेरी इतनी बड़ी बहन को नहीं पता कि प्रपोज का मतलब क्या होता है। चला मुझे प्रपोज करने, बिगाड़ रहा है बच्ची को। जानू दीदी सोचा वरना आज तेरी खैर नहीं। जानू सो गई क्या? हाँ गहरी नींद में हूँ। चल चल अब नखरे करना बंद कर। कम ऑन गेट अप, कम ऑन। क्या ये ले, दवा खा, दूध पी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रोहित का फोन आया था। रोहित? कौन रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानती। अच्छा हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बता कौन है ये। मुझे आई है। पूछ अब बता। रोहित मेरे स्कूल में पढ़ता है, मेरी क्लास में। अमीर बाप का बेटा है, स्कूल की सारी लड़कियां उस पे मरती है और वो स्टूपिड इडियट टॉकी उल्लू का पट्टा जानू मुझ पे मरता है। उसने तुझे परेशान किया? नहीं ऐसे तो परेशान नहीं करता। तो वैसे? वैसे क्या, मेरे पीछे पीछे प्रपोजल कार्ड लिए घूमता रहता है। कितनी बार अवॉइड किया मैंने उसको, आखिर में प्रपोजल कार्ड थमा दिया ना मेरे हाथ में उसने। फिर क्या, मैंने प्रिंसिपल को कार्ड दे दिया। प्रिंसिपल ने उससे ग्राउंड के पूरे 10 चक्कर कटवाए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जानू तो इन सब चीजों के लिए भी बहुत छोटी है। जानती हूँ लेकिन क्या करूं। तो उसे समझा यही बात। उसे? हाँ। वो थोड़ी समझने वाला है। क्यों नहीं समझेगा? अब तुम्हें क्या समझाऊं, तुम भी नहीं समझने वाली। क्यों नहीं समझूंगी, किसी ने प्रपोज नहीं किया ना अब तक तुम्हें, इसीलिए। अरे दीदी, ये आप क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, उपमा बना रही हूँ। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? हटो, हम बनाई देते हैं। मैं कर लूंगी। अरे इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप ये काम करोगी? ये तो हमार काम है। और वैसन भी आपके ससुराल में 5-5, 6-6 नौकर होंगे। अच्छा, तूने पहले से मेरी मंगनी करवा ली है। अरे हुई नहीं तो का हुई जाएगी। देख लेना, जैसन हम कहते हैं वैसन ही होगा। हाँ, क्या वो तो अब तक तैयार नहीं हुई है? तेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया ना। गेट रेडी फास्ट। दीदी मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? मैंने बोला ना। वो क्या केसर, तू जाके नाश्ते की प्लेटें लगा। हाँ हाँ, इधर आ। क्यों नहीं जाना आपको स्कूल? मैंने बोला ना। वो स्टूपिड, तू उस लड़के की वजह से घर पे डर के बैठी रहेगी क्या? कोई जरूरत नहीं है, तू स्कूल जा। और अगर उसने तुझे तंग करने की कोशिश की ना, मैं संभालूंगी। लेकिन कुछ नहीं। कम ऑन, गो, जल्दी जाओ, नाश्ता भी तैयार है। दीदी जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। ओफो, आ रही हूँ, सर पे सवार रहती हूँ। ये चलो जल्दी नाश्ता करो। अब तक नाश्ता लिया भी नहीं तूने? हाँ लिया नहीं। चलो गुड, चलो चलो चलो। फिर वही नखरे रोज की तरह। चलो जल्दी करो, दवा खाओ। कमान, हरी अप। चलो फिनिश इट फास्ट। चलो अब चलो, बहुत देर हो गई। बाय पापा, बाय मम्मा, बाय बाय। पापा अच्छा हुआ तो मेरा झूठ बोला। अच्छा चलो, अच्छा सुन, अपना ख्याल रखना एंड डोंट वरी, ओके बाय। दीक्षित साहब, कहाँ है मिस्टर दीक्षित? आज तो घर पे है ना? अरे अंकल आप आइए ना। हाँ अंदर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 लाख रुपए मुझे वसूल करने हैं। अरे वाह दीक्षित साहब वाह, हमारी रातों की नींद हराम करके आप तो बड़े आराम से नाश्ता कर रहे हैं। अंकल आप भी आइए ना, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आज उपमा बना है। उपमा? नहीं खाना मुझे उपमा। उपमा अंकल, मुझे मालूम है उपमा आपको बेहद पसंद है। और अंकल वैसे भी अन्न का नाम ले लिया तो उसे ना नहीं कहते। और आपकी नाराजगी डैडी से है, उपमा से थोड़ी है। चलिए ना। ठीक है, अब तुम भी मेरी बेटी जैसी हो इसलिए तुम्हें ना नहीं कहूंगा, लेकिन काम की बात मैं पहले करूंगा। ठीक है, काम तो खाते खाते भी हो सकता है ना। आइए। रोहित पागल हो गया तू, पागल। तूने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी इसके लिए, कार्ड लाने के लिए। और उसने दे दिया वो कार्ड प्रिंसिपल को। चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो उसे मालूम ही पड़ जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। राउंड के 10 चक्कर तो क्या 100 चक्कर भी लगाने पड़े तो भी कम है। एंड तू भी मुझसे एक दिन प्यार करने लगेगी जानू। आई लव यू। रोहित हाँ, ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? तुमसे मतलब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम्हें क्या हो गया है। जानना चाहती हो? आई एम इन लव। रोहित तुम ऐसे सीधा प्रपोज करोगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ये आपसे नहीं कह रहा। तो और किसे कह रहे हो? तुमसे मतलब। कम ऑन रोहित प्लीज मुझे बताओ कौन है वो। प्लीज मैं अभी आया। अच्छा तो रोहित इस पागल के पीछे पागल है। अच्छा वो जानू, तुम मुझे मिल गई, लेकिन मेरी बात। रोहित एक बात समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारी उस सोसाइटी गर्ल्स की तरह नहीं हूं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, जिंदगी में कभी मेरा पीछा मत करना। यू गेट इट? एक मिनट जानू, जाते जाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे, और मैं दिल भी दिया है तो सिर्फ तुम ही को, और मैं इश्क भी करता रहूँगा तो सिर्फ तुमसे तुमसे तुमसे। लगता है इसने भी वही फिल्म देखी है जो कल रात को मैंने देखी। भाई वाह, उपमा तो वाकई बहुत बढ़िया था। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आप रुको दीदी, हम लाते हैं। अच्छा देवधर जी, आपकी बेटी वाकई बहुत गुणी लड़की है। मैं जानता हूँ। अंकल बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? बेटा मुझे कहना है कि तुम सच कह रही हो। हाँ रोहित ने उसे प्रपोज किया। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि रोहित उसे प्रपोज ही कर रहा था? लो वरना वो जानवी के पीछे पीछे क्यों रहता? नहीं मेरा रोहित ऐसा नहीं है। तुम भी क्या रोहित रोहित कर रही हो? वो रोहित को लेकर उड़ जाएगी और सब कुछ तुम जानती हो। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम सब देखना, आज मैं ऐसा मजा चखाऊंगी उस जानवी को कि भूलकर भी रोहित की तरफ नहीं देखेगी वो। तुम क्या कर लोगी? मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं करूँगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग खानदानी लोग हो और मैं भी कोई बदमाश या लफंगत हूँ नहीं कि खामखा आकर यहाँ पर तमाशा खड़ा करूँगा। लेकिन बेटे मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि अगर देवधर जी के मन में कोई खोट नहीं थी तो ये मेरा फोन क्यों नहीं लेते थे? एक्चुअली अंकल पापा जरा घबरा गए थे। आफ्टर ऑल 40 लाख रुपयों की बात थी। नहीं बेटे, बात 40 लाख रुपए की नहीं थी, बात है विश्वास की। और देवधर जी ने मुझसे मुंह छुपाकर मेरे विश्वास को हिला दिया। हम मानते हैं अंकल हमसे गलती हो गई, लेकिन अब आप ही बताइए हम क्या करें? बेटे पैसे तो देने ही होंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं 4-5 लाख रुपए कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो वो शांति और प्यार से। मैं उससे प्यार नहीं करती। तो फिर उसके पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? पीछे पीछे मैं नहीं, वो घूम रहा है मेरे। समझने की कोशिश करो तुम। देखो जानवी, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मेरे रोहित को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें। क्या धमकाने की कोशिश कर रही हो मुझे? नहीं समझा रही हूँ। समझाना है ना तो जाके उस रोहित को समझाओ जो मेरे पीछे पीछे कार लेके घूमता है। जाके बांध के रखो उसे। उसे तो मैं बांध ही लूंगी, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? आई मीन व्हाट आई से। गर्ल्स टेक हर इन। एक मिनट, ये क्या छोड़। हाँ अगर आप पैसे किश्तों में देना चाहते हैं तो मैं महीने की 50,000 रुपए की किश्त बांध सकता हूँ। और अंकल अगर हम फैक्ट्री बेच दें तो? जिंदगी भर अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएगी तू। आशा, आशा मेरे काम, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? क्यों? रोहित से प्यार नहीं करोगी? आशा मैं उससे प्यार नहीं करती। आशा तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा तुम रोहित से प्यार नहीं करती, लेकिन रोहित तो तुमसे प्यार करता है। हाँ लेकिन पहले मैं तुम्हें प्यार करूँगी। चलो तो ये तय रहा, आपकी फैक्ट्री जिसे मैंने सील करवाई है मैं ही खरीद लेता हूँ। वैसे फैक्ट्री की वैल्यूएशन तो कोई 60 लाख के आसपास है, लेकिन सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद 30 लाख के आसपास बच जाएगी। चलो 30 लाख ही सही, ये डील मुझे मंजूर है। ठीक है अंकल, तो फिर आप फैक्ट्री के कागजात तैयार करवाइए और पापा कल सुबह आपके ऑफिस आ जाएंगे। ठीक है देवधर जी, कल मैं अपने वकील के साथ आपका इंतजार करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है अरुण, ये क्या किया तुमने? फैक्ट्री चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? पापा शरीर का अगर कोई हिस्सा सड़ जाता है तो उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये फैक्ट्री भी वही सड़ा हुआ हिस्सा है। लेकिन बिना फैक्ट्री घर कैसे चलेगा? चलेगा पापा, आप कहीं दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिएगा, मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ले लूँगी। हम अपने घर के खर्चे कम कर देंगे पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अगर मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे तो हर मुसीबत टल जाएगी। भगवान न करे इस घर पर कोई भी मुसीबत पड़े। हेलो, जी हाँ बोल रही हूँ। क्या? हाँ, ओके। पापा हमें तुरंत जानू के स्कूल जाना पड़ेगा। जानू के स्कूल? हाँ। मगर हुआ क्या? उसे फिर से अटैक आ गया है। उसने किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया है।